The internet is full of bro science, fake knowledge, half information, or propaganda. Your quest of reliable, authentic health information ends here. So subscribe this channel and hit the bell icon, and you never have to go anywhere else ever again. So namaskar dosto, aaj hum baat karenge migraine ke bare mein. Without any further ado, let's start. What is migraine? Migraine is a हेडेक. सर में दर्द होता है, न्यूरोलॉजिकल कंडीशन है, मल्टीपल सिम्टम्स आ सकते हैं, लेकिन हेडेक सबसे खतरनाक, सबसे ज्यादा इंटेंस, बहुत ज्यादा आपको मतलब डिबिलिटेटिंग हेडेक होता है. आपको नौजिया वॉमिटिंग साथ में हो सकता है, नहीं भी हो सकता है, आपको हो सकता है बोलने में दिक्कत हो, बात करने में दिक्कत हो, नमनेस हो, लाइटनिंग हो, सेंसिटिविटी टू लाइट हो जाए, आंखों में आंखों में आवाजें चुभें, आंखों में लाइट चुभें, आपका माइग्रेन्स ऐसे हो सकता है. और हो सकता है कुछ दिनों तक चले, हो सकता है कुछ मिनटों तक चले, और हो सकता है आपके फैमिली में चला आ रहा हो, आपके माता पिता दादा पतादा किसी को होता हो. तो डायग्नोसिस भैया बहुत ज़ोरदार होता है इसका. कैसे पता करें कि माइग्रेन है, कि टेंशन हेडेक है, स्ट्रेस हेडेक है, कि क्या है और क्या नहीं है, ये सबसे बड़ा इशू. इसके लिए सिम्टम्स बहुत ज़रूरी है, समझना बहुत ज़रूरी है कि क्या है क्या नहीं है. और इसके साथ में एक बहुत बड़ी चीज़ एसोसिएटेड होती है, उसको बोलते हैं ऑरा. याद रखिए, अब ऑरा नहीं भी आया तो इसका मतलब ये नहीं कि माइग्रेन नहीं है, इसका मतलब कॉमन माइग्रेन और क्लासिक माइग्रेन हो. क्लासिक माइग्रेन मतलब आपको आएगा ऑरा. ऑरा मतलब क्या है? ऑरा मतलब दस्तक, मतलब कि कुछ होने वाला है, मुझे लग रहा है कि कुछ होने वाला है, मुझे लग रहा है कि सर दुखने वाला है, मुझे लग रहा है कि, तो वो है ऑरा. यानी आपको पता चलने लगता है कि कुछ होने वाला है, जैसे कि तूफान आने वाला है, उससे जैसे हमें लगता है तूफान आएगा, बारिश आने वाली है, उससे पहले हमें पता लगता है बारिश आएगी, लगता है बारिश आएगी, बस वो है ऑरा. सो वो है ऑरा. और माइग्रेन जो है ये अलग अलग हेडेक से डिफरेंट होता है, और माइग्रेन के सिम्टम्स अलग हो सकते हैं. माइग्रेन के सिम्टम्स आपको यानी कि हो सकता है एक या दो दिन पहले से शुरू हो जाए, हो सकता है इसको प्रोड्रोम स्टेज बोलते हैं, हो सकता है आप कमज़ोर फील करो, हेडेक फील करो, मतलब थोड़ा हाइपर हाइपर इरिटेबिलिटी, हाइपर एक्टिविटी फील करो, फूड क्रेविंग फील करो, डिप्रेशन फील करो, ऐसा कुछ ना कुछ हो सकता है, एक आधी चीज़ साथ में हो जाए. और माइग्रेन में आपको ऑरा, मैंने बताया, आ सकता है. ऑरा के साथ हो सकता है आपको डिजीनेस, चक्कर आए, आपके पल्स बढ़ जाए, आपका वॉमिटिंग आए, और हो सकता है एक साइड में हेडेक हो, लेफ्ट साइड में, राइट साइड में, या फिर बैक में हो. फिर उसके बाद में अटैक फेज एक्चुअल शुरू होता है, जब खतरनाक आपको हेडेक होता है, हेडेक चल रहा होता है, कुछ समझ में नहीं आता क्या करें. उसके बाद में भी हेडेक खत्म होने के बाद में भी पोस्ट ड्रोम फेज आ सकता है, जिसमें आपके मूड चेंजेस हो सकते हैं, फीलिंग चेंजेस हो सकते हैं. हटो मुझे बात मत करो, ऐसे बोल सकते हो आप. और हो सकता है आप बहुत ज़्यादा खुश हो जाए, यूफोरेटिक एक्सट्रीमली हैप्पी टाइप भी हो सकता है. एंड बट इट इज़ वेरी कॉमन टू फील फटीग एंड एपैथी. माइग्रेन में जो पेन होता है बहुत ज़ोरदार होता है भैया, आपको वो अलग अलग प्रकार का, कभी कभी थ्रॉबिंग, कभी पल्सेटिंग, कभी परफोरेटिंग, कोई छेद मार रहा है, कोई पाउंडिंग है, कोई मार रहा है सर पे, अ लॉट ऑफ थिंग्स कैन बी फेल्ट. माइग्रेन में आपको नौशिया हो सकता है, आधे से ज़्यादा लोग उसमें उल्टी जैसा महसूस करते हैं, आधे से ज़्यादा लोगों को ऐसा अगर हो रहा है तो कोई भी एंटी एमेटिक ड्रग, कोई डोमपेरिडोम, मेटोक्लोप्रोमाइड टाइप मेडिकेशन ले सकते हैं, और आप ले सकते हैं पेंटोसिड डी ऑल्सो. एक स्टडी में बताया था कि इसमें कई सारे अलाइड साइंसेज जैसे एक्यूपंक्चर भी काम करता है. एक्यूपंक्चर भी इसमें रिड्यूसेस द इंटेंसिटी ऑफ नौजिया इन माइग्रेन. मतलब अगर आप इसको कर पंक्चर मत प्रेशर सॉरी एक्यूप्रेशर एक्यूप्रेशर वाले जो कुछ पॉइंट्स होते हैं वो भी हेल्प करते हैं. इट कैन इम्प्रूव दैट, एक स्टडी में आया, बट इट्स नॉट वेरी ट्रीटिंग या एक कोई 100% गारंटी ट्रीटमेंट नहीं है, राइट. सो ट्रीटमेंट एंटी एमेटिक से कर सकते हैं, और यू कैन सी हमारे वॉमिटिंग वाला वीडियो फॉर दैट. माइग्रेन में टेस्ट कौन सा किया जाता है? माइग्रेन के लिए समझने की कोशिश हो जाती है कि आपका कहीं ब्रेन ट्यूमर तो नहीं है, तो ब्रेन में कोई स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम तो नहीं है, कोई दिमाग में स्ट्रोक तो नहीं है, कोई क्लॉट तो नहीं है, कोई ब्लीडिंग तो नहीं है. तो MRI ब्रेन किया जाता है, CT स्कैन किया जा सकता है, MRI ज़्यादा बेहतर है. माइग्रेन के ट्रीटमेंट के लिए समझना बहुत ज़रूरी है कि इट इज़ अ ओवर सेंसिटिव ब्रेन, दैट्स इट. It is an oversensitive brain who is perceiving a lot of things. बहुत ज़्यादा sensitive है, तो अगर आप उसे relax करोगे, brain calming things will help. So it depends upon managing your stress, good sleep, a good exercise, good diet, and then some medicines.
राइट कुछ दवाइयां ले सकते हैं माइग्रेन की, माइग्रेन की कुछ रेमेडीज खुद है, जैसे पानी पी के देख लो माइग्रेन होने वाला है तो कुछ खा लो, कुछ सोने की कोशिश करो, राइट कुछ मेडिकेशंस आती हैं जो आपको डॉक्टर देंगे, और इवन कई बार हार्मोनल थेरेपी अगर आपका मेंस्ट्रुअल साइकिल सही नहीं है फीमेल केस में, और काउंसलिंग हेल्प्स, बातचीत करना साइकोलॉजिस्ट साइकाइट्री से, और फिर अल्टीमेटली पेन किलर्स होते हैं, पेन किलर्स, या फिर आप खुद ही मसाजेस ट्राई कर सकते हो. यू कैन जस्ट लाई डाउन इन अ क्वाइट डार्क रूम, यू कैन प्लेस अ कोल्ड क्लॉथ ओवर योर फोरहेड या बिहाइंड योर नेक. मेनी थिंग्स आर देयर जो लोग ट्राई करते हैं, कुछ काम करती हैं कुछ लोगों में, कुछ में काम नहीं करती है. यू हैव टू ट्राई आपको क्या काम करें. उसके अलावा ओवर द काउंटर मेडिकेशंस आप ले सकते हैं, पैरासिटामोल, कॉम्बीफ्लेम, टाइलेनॉल, ऐसी सी चीज़ें. और माइग्रेन की स्पेसिफिक मेडिकेशंस आती हैं जो ट्रिप्टान्स आते हैं और जो थोड़े हैवी मेडिसिंस होते हैं, उसको ज़्यादा नहीं यूज़ करना, उसको अपने डॉक्टर न्यूरोलॉजिस्ट के हिसाब से जितने दिन उन्होंने बोला उतने दिन यूज़ करना है और ज़्यादा नहीं यूज़ करना है. याद रखिए ओवर यूज़ करेंगे तो माइग्रेन की फ्रीक्वेंसी भी बढ़ सकती है. राइट सो दैट इज़ देयर. एंड आजकल तो नया चीज़ है कि देर आर कपल ऑफ सर्जिकल प्रोसीजर्स ऑल्सो जो माइग्रेन के लिए यूज होते हैं, दैट इज न्यूरो स्टिम्युलेशन प्रोसीजर्स, राइट, जिसमें के क्या करते हैं कि कई बार हम ये पता कर सकते हैं कि माइग्रेन के जो ट्रिगर साइट है, जैसे ये ट्रिगर है, लाइट ट्रिगर है, आवाज ट्रिगर है, ये वो ट्रिगर है, ऐसी ट्रिगर्स ब्रेन के कौन से साइट में जाके माइग्रेन ट्रिगर कर रहे हैं, उस साइट को डिकम्प्रेस किया जा सकता है, विच इज कॉल्ड माइग्रेन ट्रिगर साइट डिकम्प्रेशन सर्जरी, MTS-DS. सो ये एक प्रोसीजर है, न्यूरो स्टिमुलेशन प्रोसीजर है, जो है FDA ने अभी अप्रूव नहीं किया है, लेकिन ये एक प्रोसीजर चल रहा है, आगे चल के हो सकता है अप्रूव हो जाए तो फिर होने लग जाए. सो माइग्रेन के अंदर बहुत कुछ किया जा सकता है, न्यूरो स्टिमुलेशन स्टडीज जो सर्जरीज जो है, डीप ब्रेन स्टिमुलेशन, वेगल नर्व स्टिमुलेशन, ऑक्सीपिटल नर्व स्टिमुलेशन, स्फीनोपैलेटाइन गैंग्लियन स्टिमुलेशन, बहुत सारे ऑप्शंस हैं, डिपेंड्स अपॉन कौन कौन सा आपका माइग्रेन का ट्रिगर लग रहा है. अल्टीमेटली भैया जो सवाल पैदा होता है आपके साथ, ऐसा होगा कि व्हाट आर द ट्रिगर्स, ये और इसका बेस कारण क्या है. टेक्निकली इसके ऊपर थेरीज है, कोई एक पक्का रीजन नहीं है, बट वन थिंग विच इज श्योर इज दैट योर ब्रेन इज ओवर सेंसिटिव. ओवर सेंसिटिव ब्रेन, सम पीपल से कि इट माइट बी बिकॉज ऑफ सम केमिकल्स चेंजेस इन द ब्रेन इंक्लूडिंग सीरोटोनिन. सीरोटोनिन के ऊपर नीचे होने से हो सकता है. सीरोटोनिन ब्रेन केमिकल है जो आपके बॉडी के ब्रेन के अंदर जो है मान लीजिए एक अच्छा फील भी करवाता है, और इसको अब ट्रिक इसके अंदर कम ज़्यादा डिक्रीज हो जाए, बेसिकली डिक्रीज होता है सीरोटोनिन, तब हेडेक होता है इस तरीके का. और ये ट्रिगर जो बताए जाते हैं ये बहुत प्रकार के हो सकते हैं, स्ट्रेस हो सकता है, लाइट हो सकता है, हीट हो सकता है, एक्सट्रीम वेदर हो सकता है, डिहाइड्रेशन हो सकता है, चेंजेस इन बैरोमेट्रिक प्रेशर, मे बी यू आर गोइंग अप हाइट पे जा रहे हो, लिफ्ट में जा रहे हो, एरोप्लेन में जा रहे हो, लाउड साउंड के वजह से हो सकता है, किसी के इंटेंस फिजिकल एक्टिविटी की वजह से होता है, स्किपिंग मील स्किप करने की वजह से हो सकता है, स्लीप पैटर्न में चेंजेस होने की वजह से, अनयूजुअल स्मेल, मान लीजिए कोई प्रकार की दवाइयां खा ली, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव, नाइट्रोग्लिसरीन, ऐसी दवाइयां, स्मोकिंग, अल्कोहल, ट्रैवलिंग, ऐसी चीज़ों के कुछ प्रकार के खाने पीने की वजह से हो सकता है. अ लॉट ऑफ थिंग्स कैन हैपन. अल्कोहल और कैफीन ये दो ऐसे हैं जो इसके ट्रिगर माने गए हैं, और हो सकता है आप ये बंद करें तो आपका माइग्रेन खत्म हो जाए. इसके अलावा फूड एडिक्ट, आर्टिफिशियल फ्लेवर्स, आर्टिफिशियल शुगर, बाहर के चाइनीज फूड में जो मोनोसोडियम ग्लूटामेट होता है MSG, दैट इज ऑल्सो नोन रीजन. टायरामीन इज ऑल्सो नोन रीजन जो कुछ प्रकार के फूड में होता है, फर्मेंटेशन जैसे कि चीज, आपका सोया सॉस, ऐसी चीज़ों में मिल जाता है, वो भी इसका एक कारण है, ट्रिगर है, तो वो भी बंद करके देखिए. माइग्रेन इज वेरी वेरी कॉमन और बढ़ता जा रहा है बिकॉज ऑफ द इंक्रीजिंग अमाउंट ऑफ स्ट्रेस, इंक्रीजिंग अमाउंट ऑफ इश्यू. माइग्रेन चाहे विद ऑरा हो विदाउट ऑरा हो, माइग्रेन है. माइग्रेन के लिए हमें कोई फिजिकल रीजंस सारे रूल आउट करने होते हैं ब्रेन के, और देर आर एक्यूट माइग्रेन्स एंड क्रोनिक माइग्रेन्स एंड वेस्टिबुलर माइग्रेन्स. वेस्टिबुलर का मतलब होता है ओरिजन वर्टिगो, चक्कर के साथ माइग्रेन आ रहा है, वेस्टिबुलर माइग्रेन्स भी होता है विच इज़ देयर, एंड समटाइम्स आँखों वाला ऑप्टिकल माइग्रेन भी होता है. सो कई बार देर आर कॉम्प्लेक्स माइग्रेन्स जिसमें आपका स्पीकिंग प्रॉब्लम आने लग गई, उसी समय ट्रबल देखने में ट्रबल आने लग गए. एक नया भी मेंस्ट्रुअल माइग्रेन भी है जिसमें मेंस्ट्रुएशन के रिलेटेड आपको माइग्रेन हेडेक शुरू हो जाते हैं. एंड जो 60% वुमेन जिनको माइग्रेन है उनको मेंस्ट्रुअल माइग्रेन होता है. सो दैट इज़ देयर, वेरी वेरी वेरी
कॉमन रीजन, ठीक है. सो देर आर टाइप्स ऑफ माइग्रेन्स विच आर हॉर्मोनल एंड देर आर टाइप ऑफ माइग्रेन विच इज स्ट्रेस रिलेटेड. तो स्ट्रेस रिलेटेड माइग्रेन्स आर देर. योगा विल डेफिनेटली हेल्प, गुड डाइट विल डेफिनेटली हेल्प. माइग्रेन कैन बी प्रेजेंट इन चिल्ड्रेन, माइग्रेन कैन बी वेस्क्यूलर, माइग्रेन कैन बी एज अ क्लस्टर एक दूसरे टाइप का. सो अ लॉट ऑफ माइग्रेन के ऊपर स्टडीज चल रही है. प्लीज डोंट डू नॉट टेक इट लाइटली. गो टू अ न्यूरोलॉजिस्ट, गेट योरसेल्फ टेस्टेड एंड अल्टीमेटली लिव अ बेटर लाइफ. सो दैट्स इट अबाउट माइग्रेन. लेट मी नो इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस, आई विल ट्राई एंड आंसर. एंड थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग दिस वीडियो. दिस इज डॉक्टर परमजीत. स्टे कनेक्टेड, स्टे हेल्दी.